को, ये देखें ये पालक मैं लेके आई हूँ, तो मैंने कहा ये आज खाली पालक के ना पत्ते बनाते हैं, वो भी बेसन वाले बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को ना। ये मैं इतनी सी डंडियाँ काट लूँगी और फिर अभी इसको मैं देखती हूँ, इसको साफ़ सुथरा करके अभी ये देखें ये वाले पत्ते सारे पूरे के पूरे फ्राई होंगे। चलो मैं आपको मिलती हूँ साफ़ करके, ठंडे पानी से ना वॉश करके फिर मैं इनको बनाऊंगी नमक और सिर्फ लाल मिर्च डाल के। फिर थोड़ा सा ना नमक डाल लेंगे, प्लीज़ जितने पत्ते हैं उतने ही डालें, पत्ते फिर पालक पानी छोड़ देती है। तो भाई बहुत अच्छा मौसम हुआ भाई, यूज़ करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई और इसमें थोड़ा सा ना मुझे बेसन कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ये डालूँगी। ये भी ज़बरदस्त से पालक के पत्ते रेडी, ये देखिए इसकी शेप ना इस तरह मिक्स करके ना इसको फ्राई करेंगे। यकीन वाले में बहुत मज़े के, बहुत करारे, टू टेस्टी। ये अब मैं ना पालक के आज पत्ते हम सिर्फ खाएंगे, आपके सामने मैंने वॉश किए हर चीज़, नमक लगा के रखे है ना पूरी। ये देखिए कभी कभी सिर्फ पालक के पत्ते ही, वाह जबरदस्त बनते हैं। वन बाय वन करके आप बनाएं। तो पसंद है ये भी एक डिश, मैंने कहा ये कर लूं बच्चों के लिए। ये बेसन सिर्फ नमक लाल मिर्च डाल के और ज़ीरा, ये बस सिंपल सा फटाफट से ना इसी बहाने चिप्स शौक से खा लेते हैं आलू फ्राई किए हुए। ये रमज़ान में इनको खुली छुट्टी है कि ये खा लें ताकि बाद में फिर डाइटिंग कर लें, लेकिन बच्चे स्कूल से आए हैं तो फरमाइशें जो जो कर रहे हैं मैं बनाई जा रही हूँ। अब इसके बाद मैं ज़रा पत्ते बनाऊँगी पालक के पत्ते, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये अब था मैंने कहा ये साथ ही बना लूँ। अच्छा मैंने कहा वन डिश तो रेडी हो गई है, इसके बाद एक समोसे कीमे वाले समोसे भी रेडी हो गए हैं। ये भी मैंने छोटी छोटी समोसियाँ बना के रखी हुई थी, अभी इनका रोल्स हैं वो बनाने हैं, बड़े काम हैं। चलें वन बाय वन।